फ्रेंड्स, आई एम श्याम भाटिया एंड आई वेलकम टू ऑन ई एकेडमी 123। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ एक ऐसे विषय के बारे में जो आमतौर पर आप उसमें उलझन में रहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ वाला हूँ जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक बी और एनी बीए एमसीए वाट एवर जो भी ग्रेजुएशन है आपका, उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या जॉब ऑप्शंस बचते हैं और आपको अपने आप को ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कैसे अपडेट करना है ताकि आपको फाइनल ईयर में जॉब मिल जाए या थर्ड ईयर में आपके पास ऑफर लेटर आपके हाथों में हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या नॉन इंजीनियरिंग के हैं, तब भी अगर आप जॉब करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। यानी बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो हर बात एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आप उसको इजीली समझ नहीं पाएंगे अगर स्किप करते हैं तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात, अगर आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या 1 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या जस्ट हो ही रहा है, आपके पास 2 या 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपको किस तकनीक की ज़रूरत है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट वो नहीं, वो तो सभी के पास मिल जाता है, तो बैक डेट में भी मिल जाता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस चीज़ को नहीं है, उस सेक्शन में नहीं जा रहा हूँ कि वो कोई बात नहीं होती है ना, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए है ना। व्हेन एटीट्यूड एंड एबिलिटीज़ मोर देन, या मैं यूँ कहूँ कि व्हेन एटीट्यूड एंड एबिलिटीज़ मीन मोर देन डिग्रीज एंड मेडल्स। यस, जब आपकी योग्यता और योग्यता की बात आती है तो फिर आपके पास डिग्री और मेडल का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेनली आपको आपकी आपकी स्किल आपकी प्रतिभा ही आपको परिभाषित करती है अपने क्षेत्र में, है ना। हो सकता है कि आप सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप एंट्री कर जाए, लेकिन 6 महीने में फायर कर दिए जाओगे आप। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये सब समझनी है आपको। ठीक है, एक किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से आप जॉब या किसी भी MBA वाले कॉलेज में एडमिशन लेने से या कोई भी और कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने से आपको जॉब कंफर्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहले मैं बता दूँगा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इसी सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको, आपको सबसे पहले पहली बात ही पढ़नी है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल कैसी हो। देखो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट होने वाले। पहली बात है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी हो, उसके अंदर क्या सीखना, फर्स्ट पर सीखना है पाइथन, फिर सी है ना, और अगर C++ सीखना है तो वो भी हो गई, और उसके बाद HTML CSS और JavaScript। ठीक है, और बैकएंड में आपको पाइथन काम कर जाएगी या फिर आपको PHP भी काम कर सकती है। तो ये बैकएंड के लिए PHP या पाइथन दोनों पढ़ाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इस सेक्शन में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज ए एथिकल हैकिंग टीचर और एज ए प्रोग्रामिंग ट्रेनर। ठीक है, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगी और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यहाँ पर चैनल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास पाइथन पता होनी चाहिए, ये बैकएंड के लिए भी काम आ सकती है और अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो फ्रंट एंड के लिए भी काम आ सकती है। ठीक है, अगर वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए HTML फ्रंट एंड में काम आएगा, बैकएंड में काम आता है आपका PHP या पाइथन भी काम आ सकती है। अब ये आप सोच रहे हो कि दोनों क्या चीज़ है, ये बैकएंड फ्रंट एंड क्या, कुछ नहीं। देखो, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ना पूरा ये आर्किटेक्चर मेरा फेस, ये फ्रंट एंड है जो फ्रंट में पहली बार दिखाई देता है और अंदर जो प्रोसेस चल रही है, लीवर है ना, इंटेस्टाइन है और वो सब वो बैकएंड हो गया, यानी अंदर आंतरिक प्रोसेस। तो पहली बार जब ब्राउज़र पर जो अपीयर होता है ना, या क्रोम पर या फायरफॉक्स पर या मोजिला पर जो अपीयर होता है आपको, वो वेब पेज जो कहलाता है वो फ्रंट एंड कहलाता है। जब उस वेब पेज पर कोई ना कोई चीज़ इंटर करते हैं आप, चाहे आपका यूज़र नेम पासवर्ड है ना, या लॉगिन कर रहे हो या रजिस्टर कर रहे हो, तो जब वो रजिस्टर करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाकर सेव हो रही है, वहाँ तक ले जाना वाला जो होता है वो बैकएंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि मान लो कि वहाँ से फ्रंट एंड से आपने इंटर किया, यानी HTML CSS और JavaScript से मिलकर फ्रंट एंड बनता है। ठीक है, जो ब्राउज़र पर आपको रन होता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर कोई वैल्यूज इंटर की तो वो सेंड करता है बैकएंड को। बैकएंड को मतलब क्या, जिससे कि PHP पाइथन पर्ल या रूबी वगैरह जो हो जाती है, ये सब क्या होती है, बैकएंड की लैंग्वेज। ये भी कुछ काम नहीं करती, ये भी जो आपने दिया है वो वेरिएबल के अंदर क्या होता है, लोड हो जाता है, और उस वेरिएबल को ले जाकर डाटाबेस में सेव कराने का काम कौन करती है, PHP पाइथन या पर्ल या रूबी। ठीक है, तो ये बैकएंड की लैंग्वेज डाटाबेस तक पहुंचाने का एक लोडर है, एक लोडिंग टेम्पो कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक मेन बात हुई। जब दोनों सीख जाएंगे, फ्रंट एंड और बैकएंड सीख जाएंगे, तो आपको फाइनल जब आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगा या कोर्स कंप्लीट होगा, तो आपको जॉब की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, आपको प्रॉपर और ऑथेंटिक सीखना होगा। वैसा नहीं कि 4 वीडियो देख लिया कि हाँ बस आ गया मुझे, 4 प्रोग्राम रन हो गए, उनकी बारीकियों, उनकी तकनीकी बारीकियों तक जाना पड़ेगा,
तभी जाकर भीड़ से आप शॉर्ट आउट हो पाएंगे। और अगर आप उज्जैन और इंदौर से हैं तो आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं, मैं सारी चीज़ें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। वीडियो के अंदर तो समय की बाध्यताएँ होती है तो वो अपन इतना इन डिटेल बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पर्सनली मुझे सुनते हैं तो वो चीज़ें एक अलग हो जाती है ना। तो सबसे पहले क्या सीखना है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या हो गया, HTML, CSS और JavaScript। बैक एंड में क्या हो गया, पाइथन, पर्ल, रूबी एंड एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आ चुकी है, अब ये चीज़ें सीखना कहाँ पर है, बहुत आसान सी चीज़ है, इजीली सीख सकते हो इसके अंदर कोई चीज़। ये तो एक प्रकार का कोडिंग का बात हो गया, लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोडिंग कर रखी है, वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो अब इस बात को सुने। वो बोलते थे कि ये प्रोग्रामिंग सीखने के बाद कहाँ क्या, अगर मान लो कि जॉब लगे तो अच्छी बात है, अगर इन केस मान लो कि हम जॉब न करना चाहें और इन्हीं के बिहाफ पर हम अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहें, इन्हीं के बिहाफ पर अगर मान लो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है या हम अपना कुछ स्टार्ट करना चाहें तो इनका कैसे यूज़ कर पाएंगे। यस, उनके लिए जब कभी भी आपको अपना फ्रीलांसिंग करना हो या अपना इंडिविजुअल से स्टार्ट करना हो या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो तो इसको कैसे करना, फिर आपको थोड़ा सा और एडवांस करना पड़ेगा। ये क्या था, डेवलपमेंट था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जो चीज़ कोडिंग की है, जो चीज़ प्रोग्रामिंग की है, अब उसको आपको क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक सी होती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं एक पेन ड्राइव या किसी भी मीडियम में, और उससे उसके बदले में आप डॉलर या रुपीस लेते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है ये कैसे करना है, ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग तो कर ले, लेकिन उस कोडिंग को कौन चलाएगा, मान लो कि PHP, तो PHP को तो वही चला पाएगा ना जिससे कंप्यूटर में इंस्टॉल है PHP, और एक सिंपल रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, उसको कहाँ अकल है इतने, तो वो चीज़ करेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा सिंपल होना चाहिए कि जस्ट उसको ये एक्सी मिल गई और उसको एग्जीक्यूट करता रहे और सभी मशीन पर वो प्रॉपरली चल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ चलानी होती है, तो वो कैसे बनाई जाए, तो यही चीज़ होती है कि अगर मान लो कि पाइथन में कोई कोडिंग कर रहा है तो पाइथन के अंदर फ्रंट एंड भी बनता है अगर सॉफ्टवेयर है तो, और बैक एंड भी बनता है, तो फ्रंट एंड से इनपुट ले सकते हैं उसके अंदर अच्छे अच्छे आपके पास टीके एंटर है वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें, तो उससे इनपुट ले सकते हैं और पाइथन बैकएंड को प्रोसेस कर ही सकती है, तो वो चीज़ें हम इजीली कर पाते हैं, है ना। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें है तो आपको करना है, और अगर आपको करना है तो आपको कैसे करना है, यस, इसके लिए आप सिंपली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब ये सारी कोडिंग हो जाए, ये सारी प्रोग्रामिंग हो जाए, आपके पास 2, 4, 10, 20 KB का एक पूरा टेक्स्ट फाइल बन जाए, टेक्स्ट फाइल या जैसे .py फाइल है या आपके पास कोई .java फाइल है, इस प्रकार के, तो उसका बाइट कोड जनरेट होता है। तो इन चीज़ों को सॉफ्टवेयर कैसे बनाना, अब मैं इस सेक्शन पर आता हूँ। वेबसाइट बन गई, वेबसाइट बनने के बाद उसको क्या करना है, लोकल होस्ट पर एक बार रन कर लीजिएगा, फिर उसी लोकल होस्ट से हम क्या करेंगे, ग्लोबल होस्ट पर उसको अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपने वेब स्पेस या होस्टिंग, जिसको वेब स्पेस या सर्वर स्पेस जो होता है उसको आप होस्टिंग कहते हो, वो खरीद रखी, वहाँ पर सारी फाइलें क्या हो जाती है, पार्क हो जाती है, वहाँ पर सारी फाइलें हम क्या करते हैं, पार्क करते हैं, अपलोड करते हैं, और वहाँ से फिर एक URL होता है जिसको आप डोमेन नेम कहते हैं, वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है, और उससे लिंक कर सकते हो या दोनों एक ही कंपनी के ले सकते हो, और उसके बाद फिर उस URL को शेयर करते हैं या लोग सर्च करते हैं तो वो URL में इंडेक्सिंग में जो भी जितने भी सर्च इंजन है उसमें आता है, और फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट हर जगह जगह से देखी जा सकती है, और ये पूरा प्रोग्राम चलता है। तो ये क्या चीज़ है, ये भी इस कोर्सेज में इंक्लूड है, जो मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, और आने वाले में अगर आप कुछ स्पेशली अगर अलग से सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका वेब टेक्नोलॉजीज। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर मेकिंग। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अपन ने कोडिंग की, कुछ भी मान लो कि सिंपल एक सॉफ्टवेयर है कि जस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दो नंबर को जोड़ना है, एक सॉफ्टवेयर है सिंपल कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर, तो उसको कोडिंग तो हो गई, अब चाहे वो VB.NET में हो चाहे वो पाइथन में, अब उसका क्या बनेगा, EX कैसे बनेगा, तो वो सारी चीज़ भी आने वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस प्रकार का पूरा एक ये है कोर्सेज लेकर आया हूँ मैं, और अगर आपको इस प्रकार की कोई चीज़ें सीखनी, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं कि ये एक पाइथन मेड सॉफ्टवेयर है, पाइथन मैंने इसकी कोडिंग की है, और इस पर मैं पूरा कि किस प्रकार से किया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप MCA, MTech इनके स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट का भी काम कर सकता है ये इजीली। ये फ्रंट एंड भी मैंने पाइथन में बनाया, बैक एंड भी मैंने पाइथन में बनाया, और उसके बाद पूरा प्रोसेस हो रहा है, और इसका EX भी जनरेटेड है। ठीक है, तो बहुत इजीली चीज़ है, कोई रेस्टोरेंट वाला भी ले सकता है, ये रेस्टोरेंट का अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट है। और इस लेवल तक की कोडिंग आपको सीखनी है तो आपको मुझे only 3 months आपको मुझे देना पड़ेगा, only 3 months, 90 days if you give me, then I will be like that.
आपको इस तरह की इसके लिए मेरा प्रॉमिस है ना पाइथन में। दूसरी लैंग्वेज चाहे वीबी डॉट नेट हुई, चाहे जावा हुई, चाहे पीएचपी हुई, चाहे आपके पास कुछ और दूसरी लैंग्वेजेस होती है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, अब तो नोट जेएस भी आ गया, रिएक्ट जेएस भी आ गया, बहुत सारी तकनीक आ गई। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है कि आपको उन प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में गहन जानकारी होना। ऐसा नहीं कि चार प्रोग्राम रन कर दिया और बोल दिया नहीं हम तो है, अब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ सब अकल आ जाएगी। सही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को करना है तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं और फिर आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्टिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये चीज़ें साइड में लेकर चलिएगा क्योंकि जिस प्रकार से जॉब हंगरी एरा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया है, अब वो वैकेंट क्रिएट हुआ और नई तकनीक आकर कोविड 19 और लॉकडाउन के बाद जो नया वर्किंग कल्चर आएगा उसमें अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस भी हो, अगर आपको एडेप्ट करना है तो ये टेक्नोलॉजीज जो मैं इस कोर्स में लेकर आने वाला हूँ, जॉब ओरिएंटेड पोटेंशलाइज्ड कोर्स जो है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके भी पर जॉब ओरिएंटेड ही। इसमें कोई मुझे आपको मास्टर या कथावाचक नहीं बनाना कि ये भी सिखा दिया वो भी सिखा दिया, जैसे कि इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते, कॉलेज में सिखाते, इतनी बड़ी मोटी बुक देते हैं कभी नहीं पढ़ पाते हो उसको, ठीक है ना, समझ पाते हो। और ना सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये कि जो पढ़ाता है उसको कुछ अकल नहीं, वो उसको छूता भी नहीं है, वैसा नहीं करंट लग जाए उसको, है ना, वो उस बुक से। तो ये चीज़ें, और अगर वो सिखा भी दे बेचारा तो वो सब आउटडेटेड नॉलेज है फ्रेंड्स, आउटडेटेड है, उसका कोई उचित नहीं है, है ना। रिसेंटली इस कोविड 19 ने सब कुछ चेंज कर दिया है, तो अब आपको लर्निंग स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा। यस, लर्निंग स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा एंड देन यू कैन फाइट द नेक्स्ट। तो बहुत सारे आप देख नहीं रहे हो कि बहुत सारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ काम है। अब यही वापस लॉकडाउन के बाद क्या आएंगे, जॉब फेस करने जाएंगे, है ना, इंटरव्यू फेस करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो इनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। अब उनसे आप कैसे आगे निकल सकते हो या उनके समकक्ष कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में मैंने इंक्लूड किया है, जिसके अंदर मैं सारी टेक्नोलॉजीज और स्किल और कौशल को इंक्लूड करूँगा, जिसके बिहाव पर आप क्या कर सकते हैं, जिसके बिहाव पर आप अपने जॉब को, अपने आप को उस लेवल का अपडेट कर सकते हैं। आप सिंपल कंप्यूटर साइंस MCA MTech BTech के हैं तब भी आपके लिए कोडिंग, अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो बोलेगा हमारे के काम नहीं, अगर उस सेक्शन में जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे। यस, उस सेक्शन में अगर जॉब नहीं मिली तो आपको सॉफ्टवेयर ये तो अपनाना पड़ेगा, और अगर आप घर से काम कर रहे हो तो सारा काम ये कर सकते हो। 3 महीने तक आपको जस्ट सीखना है, और अगर आपको कंप्लीट बनना है तो 5 से 6 महीने का टाइम मुझे दीजिएगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर मेकिंग, फिर आपको पूरी कोडिंग, फिर इंटरनेशनल पेमेंट कैसे लेना है पेपाल के ज़रिए, पेजा के ज़रिए, फिर अपना प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बुक या कोई भी कोर्स फॉरेन में कैसे लॉन्च करना है, वहाँ से कैसे लेना, सारी चीज़ पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हो, और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ना भूले, और ये अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ ले आया हूँ। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से देख रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं, और अगर उसमें पेपाल का लिंक मैंने दिया हुआ है, और अगर आप विद इन द इंडिया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, और उसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे अच्छे तरीके से जानेंगे, सीखेंगे। और सारे जो अगर NITs और IIT को छोड़ दिया जाए और किसी भी इंडियन कॉलेज, प्राइवेट या जो टीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, सेल्फ फंडेड होती है, इनमें से हैं, तो यकीन मानिए कि आपका 100% प्लेसमेंट नहीं होता है सभी का, है ना, कुछ ना कुछ होते हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी दूंगा और आपके जॉब ओरिएंटेड चीज़ों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ तक के लिए ये वीडियो, आगे और भी अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, वीडियो को लाइक कीजिएगा।